हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीताज किचन। मैं हूं पुनीता। एक ऐसी मिठाई है जो हर किसी की फेवरेट होती है और बेसन के लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज मैं आपको मार्केट से भी अच्छे बेसन के लड्डू की रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम भारी तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डाल देंगे आधा कप देसी घी। जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 2 कप बेसन और 2 छोटे चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर सूजी, ये भी डाल देंगे। बस अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप ये सारा मेजरमेंट किसी घर के कप या कटोरी से भी कर सकते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक है बेसन, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा वैसे वैसे ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में आता जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इसको भुनते हुए मुझे 10 मिनट हो गई है। 10 मिनट के बाद अगर आपको ये तभी भी थिक लगे तो आप इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी और डाल सकते हैं। आप देसी घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल में भी बेसन के लड्डू को बनाया जा सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन को भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गई है। 15 से 16 मिनट में ये बढ़िया सा ब्राउन हो गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें से आ रही है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हम बेसन को जब भी भूनें तो फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखें। तो फ्रेंड्स, बस बेसन हमारा भुन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको पूरे तरीके से हमें ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन जो है हल्का सा गुनगुना है, अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं किया मैंने। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1 कप बूरा डाल देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो चीनी को मिक्सी में पीसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चीनी का आप फाइन पाउडर ना बनाएं, उसको थोड़ा सा दरदरा रखें जिससे कि हमारे जो बेसन के लड्डू हैं उसका टेक्सचर जो है थोड़ा दानेदार आए और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगे। और फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी को या बूरे को, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसको 1.5 कप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप मीठा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो बस अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लड्डू बनाना तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 1 लड्डू बनकर तैयार हो गया है। बस फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लड्डू कितने ईजली बन गए हैं और देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शुरू शुरू में थोड़ा सा, जब तक बेसन गर्म होगा तो इनकी शेप में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, थोड़ा सा बिखरे बिखरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे लड्डू ठंडे हो जाएंगे तो ये अपनी परफेक्ट शेप में आ जाएंगे। तो बस अब हम इनको गार्निश कर देंगे थोड़ा सा पिस्ता से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू को बनाना है ना बहुत ही ज़्यादा आसान, और देखिए देखने में कितने यम्मी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए इस आसान सी रेसिपी को। तो ये देखिए, 1 लड्डू मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर बना है और देखने में कितने दानेदार लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।